हेलो फ्रेंड्स, आप सभी स्वागत है मेरे चैनल में। मेरे पास ये RDP कंपनी का थिन बुक है। इसमें मैं आपको आज दिखाऊंगा कि जो इसमें जो यहाँ लाइट होती है वो ब्लिंक कर रही है और इसमें ऑन नहीं हो रहा है, ना इसमें कोई डिस्प्ले आ रहा है। मेरे पास ये चार्जर है इसका 5 वोल्ट का, मैं इसको इसमें कनेक्ट करता हूँ और यहाँ देखेंगे ये ऑटोमेटिक यहाँ ब्लिंक कर रहा है। मैंने भी इसको ऑन भी नहीं किया, जब भी इसमें ब्लिंक कर रहा है और मैं ऐसे आपको ऑन कर देखता हूँ, ऑन होता नहीं होता। हम देखेंगे ऑन भी नहीं हो रहा है, ये देखिए मैं इसमें कितनी बार इसको मैं स्विच ऑन कर रहा हूँ पर ये ऑन नहीं हो रहा है लैपटॉप। चलिए दोस्तों, इसको मैं पहले ओपन करता हूँ फिर दिखाता हूँ कि इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए जो पीछे स्क्रू हैं इसको हम ओपन कर लेंगे। ये सारे सारे स्क्रू मैंने इस पीछे निकाल लिए हैं। तो मेरे पास एक पतली क्लिप है तो इससे मैं जो पीछे जो ये कवर है इसको निकाल रहा हूँ। इसको आप आराम से इसको आप निकाल सकते हैं। जो पीछे की जो ये बॉडी है, फ्रेम है, ये आराम से आप निकल जाएगा यहाँ से इस तरीके से। ये देखिए ये अलग हो गया इसे। मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। आप इसमें ये देख सकते हैं, ये है बैटरी, ये कितनी बड़ी बैटरी है। और ये जो यहाँ पर है ये छोटा सर्किट है, इसका मदरबोर्ड है, जो भी इनबिल्ट होता है सब इसी में होता है। जो भी आपको जो इंटरनल मेमोरी है, जो रैम है, ये एज एक मोबाइल मोबाइल का जो मदरबोर्ड होता है उसकी तरह होता है। ये देखिए साइड में यहाँ पर ये USB जैक है और ये हेडफोन जैक है और यहाँ मेमोरी कार्ड स्लॉट है यहाँ पर आपका। और इस साइड में आपको दिखाता हूँ मैं, इस साइड में हमारा ये जो चार्जिंग के लिए होता है 5 वोल्ट चार्जिंग के लिए, और एक यहाँ पर एक USB यहाँ पर दिया हुआ है, और एक आपका ये है मिनी HDMI पोर्ट। बैटरी कनेक्टर है यहाँ पर, ये ऊपर एक ब्लैक टेप है जिसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ। जो कनेक्टर है आप उसको ऊपर की तरफ उठाएंगे तो ये निकल जाएगा। और जो ये ब्लिंक की दिक्कत आ रही थी वो बैटरी की वजह से होता है। आप देखेंगे कि मैं इसमें बैटरी रिमूव कर रखी है और इसके अंदर मैं चार्जर कनेक्ट कर रहा हूँ। ये देखिए चार्जिंग कनेक्ट हो गया और यहाँ देखेंगे हम कि यहाँ जो अभी भी जो लाइट है वो ब्लिंक कर रही है। बैटरी मैंने रिमूव कर रखी है। फिर इस बैटरी को मैं चेक करता हूँ, मेरे पास ये मल्टीमीटर है। तो एक तरफ रेड वायर है और एक तरफ ब्लैक वायर है, तो रेड है आपका प्लस और जो ब्लैक है वो माइनस है। जो यहाँ जो पिन है, पिन पर मैं इस पर मल्टीमीटर से यहाँ इसको चेक करूँगा और मैं बैटरी को मैं चेक कर रहा हूँ। ये बैटरी बिल्कुल डिस्चार्ज है, बैटरी बिल्कुल डिस्चार्ज है, जिससे ये लैपटॉप हमारा ऑन नहीं हो रहा था। मैं आपको दिखाता हूँ कि बैटरी को हम चार्ज कैसे कर सकते हैं। ये देखिए मेरे पास एक ये डिवाइस है जिससे हम 5 वोल्ट से 12 वोल्ट तक की बैटरी को हम चार्ज कर सकते हैं। ये मैं इसका पावर प्लग है, मैं इसको इलेक्ट्रिसिटी में इसको प्लग करता हूँ। और ये मेरे पास इसमें दो पिन है, देखिए एक जो ब्लैक है वो माइनस है, रेड है प्लस है। यहाँ इसका ऑन ऑफ है, मैं इसको ऑन कर दूंगा ऐसे। ये देखिए यहाँ पर ये लाइट ऑन है अभी, क्योंकि मैंने इसको ऑन किया है। और इसके अंदर जैसे जहाँ वो रेड है वहाँ मैं रेड पिन को लगाऊंगा और जहाँ ब्लैक है वहाँ ब्लैक पिन को लगाऊंगा, जिससे बैटरी ये चार्ज होगी। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये बैटरी जैसे हम इसको चार्ज कर रहे हैं तो जो ये यहाँ की जो लाइट है वो हमारी, जैसे अभी लाइट जल रही है तो टच करने के बाद वो लाइट ऑफ हो जाएगी तो हमारी बैटरी चार्ज हो रही है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए मैंने बैटरी को टच कर रखा है, इसमें दोनों पिन इसमें टच है तो ये लाइट यहाँ ऑफ है और जैसे मैंने हटाया वैसे ये लाइट ऑन हो गई।
चलिए हम बैटरी को अब चार्ज कर लेते हैं। चार्जिंग के लिए बैटरी ध्यान रखिए कि 15 से 20 मिनट में आपकी बैटरी चार्ज हो जाएगी मैक्सिमम, या तो आप 5 मिनट आप जैसे चार्ज करके आप उसको दोबारा मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं कि बैटरी चार्ज हुई नहीं हुई। वैसे मैंने इसको भी 10-15 मिनट पहले इसको लगा के रखा है। बैटरी को मल्टीमीटर से एक बार चेक करता हूँ कि चार्ज भी नहीं हुई। अब ध्यान रहे आप बीच में अगर आप 5-5 मिनट में 10-10 मिनट में आप बैटरी का चेक कर लेते हैं कि बैटरी चार्ज हुई या नहीं हुई है तो सही रहेगा। देखिए मैं इसको बैटरी को जैसे चेक कर रहा हूँ तो ये बैटरी ऑलरेडी चार्ज हो गई है। चलिए हमारी बैटरी चार्ज हो चुकी है। चलिए मैं इसमें इसको कनेक्ट करके देखता हूँ ये हमारा लैपटॉप जो है ऑन होता है नहीं होता। तो मैं इसमें यहाँ पर लगा देता हूँ या फिक्स कर देता हूँ उसको, यहाँ रख के बस आपको हल्का सा पुश करना है और यहाँ ये सेट हो जाएगा। ये सेट हो गया यहाँ पर, ये यहाँ पर एक बार ये लाइट ब्लिंक जली है पर ब्लिंक नहीं कर रही और वो कुछ सेकंड के लिए जली और फिर ऑफ हो गई। मैं इसके ऊपर टेप था उसको यहाँ से फिक्स कर लेता हूँ उस पर, और इसके पीछे का जो बैक कवर था जो निकाला था हमने उसको भी यहाँ फिक्स कर लेता हूँ। चलिए लैपटॉप देखते हैं ऑन करके कि ये लैपटॉप ऑन हुआ नहीं हुआ। दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर इसकी बैटरी एकदम चार्ज हो चुकी है। ये देखिए यहाँ दिखा रहा है बैकअप दिखा रहा है कि 4 घंटे आपको बैकअप मिलेगा और ये अभी 93% चार्ज है। ये देखिए दोस्तों आपको वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताएं, कमेंट ज़रूर करें, और ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ओके फ्रेंड्स, गुड बाय।